नमस्कार। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का यह पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में जो पैसेज हमने लिया है यह है क्लास 8 बोर्ड 2020 का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यह है, रीड द पैसेज और चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 24 एंड 25। दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस 24 एंड 25 में जो करेक्ट जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट को चुनिए। कोकोनट, कोकोनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। विश्व में कोकोनट यानी नारियल सबसे महत्वपूर्ण नट है। नट कहते हैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स को जिसमें क्रैकिंग का आवाज आता हो काटने से, जैसे कि आमंड, वॉलनट, हिंदी में कहें तो काजू, बादाम, अखरोट, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कोकोनट। नॉट ओनली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स बट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूजफुल टू द मैन। ये सभी नटों में से, ऑफ ऑल नट्स, सभी नट्स में से सबसे बड़ा ही नहीं है बल्कि ऑल पार्ट्स, इसके सभी भाग, इस ट्री के सभी भाग आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज एन एलिगेंट पाम ट्री ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट। पाम ट्री ऐसे ट्री को कहा जाता है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, कोई शाखाएं नहीं होती हैं और जिसके पत्ते हमारे हाथों की उंगलियों की तरह होते हैं, ठीक है। और एलिगेंट मतलब सुंदर, सुंदर, सुरुचि, जो कहें अच्छा। तो इट इज एन एलिगेंट पाम ट्री, यह एक सुंदर पाम ट्री है, ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट, जिसकी ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है। द फ्लेश, फ्लेश कहते हैं गुदे को, मांस को, गुदे को। द फ्लेश ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। हरे कोकोनट, हरे नारियल का जो गुदा होता है वो वेजिटेबल यानी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। द मिल्क इनसाइड द यंग नट एज ए फ्रेश ड्रिंक। और जो छोटा नट होता है यानी कोकोनट, उसके अंदर का जो दूध होता है वो फ्रेश ड्रिंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। The flesh of the green coconut is used as a vegetable, the milk inside the young nut as a fresh drink। हरे कोकोनट का जो गुदा होता है वो वेजिटेबल के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर का जो मिल्क होता है वो फ्रेश ड्रिंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इस पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन 24, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नट कौन सा है? ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, आमंड, कोकोनट, वॉलनट, हेजलनट। तो अभी हमने देखा कि ये पैसेज में ये कोकोनट है। एक बार और बता दूं कि ये कॉम्प्रिहेंशन जो होता है इसमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके, इसका आंसर इसी पैसेज में ही छिपा होता है, तो इस पैसेज से ही हमको खोजना होता है। क्वेश्चन 25, What is the height of an average coconut tree? औसत,
एक औसत कोकोनट ट्री यानी नारियल ट्री का हाइट क्या होता है? 100 फीट, 200 फीट, 150 फीट, 50 फीट। तो हमने देखा है अभी पैसेज में, फिर से आप पैसेज निकाल कर देख लेंगे, ये है 100 फीट। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का Part 3 वीडियो। आप खुद से इसको बार बार पढ़ें और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें, और जो क्वेश्चन दिए होते हैं पैसेज में उसका आंसर आपको उसी पैसेज में से ही खोजना होता है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं। धन्यवाद।